अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाह रहे हैं वो बड़ा ही काम का है। अक्सर आप लोगों के साथ इस तरह से सिचुएशन हो जाती है कि गलती से डाटा डिलीट हो जाता है मोबाइल का या हार्ड डिस्क का या आईफोन का, तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। मार्केट में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं लेकिन वो अक्सर पेड होते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि फ्री है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसकी एफिशिएंसी किस तरह की है, ये कितनी फाइल्स जो है वो रिकवर कर लेता है, इसके क्या स्टेप्स हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ये तमाम तरह तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये है जी कंप्यूटर की स्क्रीन जिसमें मैंने आपको बताना था कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने डाटे को बआसानी रिकवर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम है रिकोवा और इसको जो मैं अभी आपको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके सारा प्रोसेस समझाता हूँ। तो हमें इसका फ्री वर्जन दरकार है तो हम इसके फ्री वर्जन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया तो अभी ये इसका पेड वर्जन भी है तो हम फ़िलहाल फ्री वर्जन को ही यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास जी इसकी एक्जी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो इस एक्जी फाइल को मैंने रन किया है, यहाँ से मैं यस का बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इंस्टॉल का बटन आ गया। तो कुछ टाइम लगाएगा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। तो मैं जाता हूँ दोबारा से डेस्कटॉप की तरफ, तो ये मेरे पास आ गया है जी रिकोवा और इधर से मैं इसको रन करता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से वो मेरे से पूछ रहा है कि ऑल फाइल्स जो हैं वो आपको चाहिए जो गुम हुई हुई हैं, पिक्चर्स थी जो गुम हुई हैं। यहाँ वो मेरे से पूछ रहा है कि तमाम तर फाइल्स आपको चाहिए जो आपकी लॉस्ट हो गई थी, या खाली पिक्चर्स चाहिए, या कोई म्यूज़िक था, कोई डॉक्यूमेंट था, वीडियो थी, या कोई कंप्रेस्ड फाइल थी। तो यहाँ से जिस तरह की भी कैटेगरी आपकी लॉस हुई है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दें। लेकिन मैं आपको तमाम तर चीज़ें शो कराने के लिए ऑल फाइल्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट के बटन को दबाऊँगा तो एक और विंडो खुल जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि मुझे श्योर नहीं है कि कंप्यूटर पर किस जगह पर वो फाइल पड़ी हुई थी। तो मैं इसी ऑप्शन को क्लिक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन को दबा दूंगा। बाकी भी ऑप्शन उसमें दे रखी हैं, वो कहता है जी मीडिया कार्ड या आईपॉड के ऊपर थी, या मेरे डॉक्यूमेंट्स में थी, या रिसाइकल बिन के अंदर थी, या इन स्पेसिफिक लोकेशन। वो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके उस स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक ड्राइव भी अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। तो चलें मैं आपको अगली विंडो पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो इसने तेज़ी के साथ जो है वो कंप्यूटर के अंदर ब्राउजिंग शुरू कर दिया। तो इस ब्राउजिंग के या हम स्कैनिंग कह लें, इसके 9 स्टेप्स हैं, ये 9 स्टेप्स को पूरा करेगा और आपको तमाम तर जो अवेलेबल फाइल्स हैं जिनकी रिकवरी हो सकती है उनको ये आपको शो करवा देगा। तो मेरे साथ रहिएगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और इससे जो है रिकवरी भी आसानी से हो जाती है। तो ये जैसे कि तमाम तर फाइल्स को एनालाइज कर रहा है, एस्टिमेटेड टाइम वो नीचे बता रहे हैं, तकरीबन थोड़ा सा टाइम ही और रह गया है। और मैं इसलिए आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। तो ये देखें जी, ये तमाम तर वो फाइल्स हैं जो मेरे कंप्यूटर से डिलीट हुई हुई हैं, सन 2013 की भी हैं। तो ये जहाँ जहाँ की हैं वहाँ वहाँ की ये बता रहा है कि जी जो रेड उसमें है वो कह रहा है तो ये तो रिकवर नहीं हो सकती।
लेकिन जो ग्रीन उसमें है फॉर्मेट के अंदर है, वो कहता है जी ये रिकवर आपकी इजीली हो जाएंगी, ये देखिए जी, ये वो कहता है जी ये रिकवर आपकी आसानी से हो जाएंगी। ये देखिए कितना पुराना डाटा है, 4/26/2014 का। तो मैं इनमें से कोई फाइल उठाता हूँ और उसको कोने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सी ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, उस न्यू फोल्डर के अंदर मैं इसको ओके कर देता हूँ और वो कहता है कि जी आपकी मतलूबा फाइल जो वो रिकवर हो गई है। चलें यहाँ जाके देखते हैं कि मतलूबा फाइल रिकवर हुई है या नहीं हुई। ये न्यू फोल्डर था और ये देखें जी, ये वो फाइल रिकवर हो गई है बड़ी ईजीली। और ये मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेक करवा देता हूँ कि अगर ये शो करवाता है कि किस दिन और किस टाइम का है, तो ये देखें जी, ये देखें जी, बिल्कुल आ रही है 4/26/2014। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। तो हम इससे बड़ी आसानी के साथ और चीपली जो है अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। बस जाते जाते आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।